वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हो क्या है आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन है आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, क्या कुछ इनके मन में इनके दिल में चल रहा है, क्या आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या, इन सभी चीजों को व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में देख रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को आपने अगर अभी तक प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा व्यूअर्स। एंड उसके अलग बैक टू द रीडिंग ध्यान रखिएगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखेंगे, हो सके तो उनका और अपना नाम कार्ड्स निकालते दौरान आप 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा व्यूअर्स, कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात में आपको अपने आप को जबरदस्ती फिट नहीं करना होगा। जितनी बात आपसे मिलती है आप बस वही लेंगे, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। जरूरी नहीं है हर रीडिंग आपकी हो, जरूरी नहीं है 100% आपसे रीडिंग मिल जाए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आ रही है आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड बताइए। स्प्रिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। करंट में व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, गाइड कीजिए डिवाइन। I miss you. I can't trust you. I don't want to let you go. क्या है प्राणी? I want to hug you. I feel alive with you. And I am a player. ये प्राणी है ये। देखिएगा व्यूअर्स, बेसिकली एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके ये जो भी पर्सन है ना, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपको इतना मिस कर रहे हैं कि इनका दिल ये कर रहा है कि बस आपको गले लगा ले और आपको रोक ले। इन्हें कहीं ना कहीं, क्योंकि ये चीजें दिख रही है, आप जा रहे हो, इन्हें छोड़कर, इन्हें टाटा बाय बाय बोलकर अब आप अपने आप को जाने की स्टेज पर पहुंचा चुके हो या काफी दूर तक अब आप जा चुके हो। पहले तो ये गए और अब ये आपको क्योंकि जाते हुए देख रहे हैं और जितना दूर आपको देख रहे हैं उतना ज्यादा ये पर्सन मिस करते जा रहे हैं। इसी के चलते ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स आपसे ये कहने तक की भी इच्छा रख रहे हैं कि मिस कर रहे हैं आपको। बेसिकली जब तक ये दूर जा रहे थे तब तक ये पर्सन नहीं फील कर पा रहे थे कि आपका साथ इनके लिए क्या है या आप इनके लिए क्या हो, ये रिश्ता इनके लिए क्या है, तब तक नहीं समझ में आ रहा था। जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जाने वाले को इतना दर्द नहीं होता जितना जो वहां पर रुका रहता है ना उसे होता है। तो जब तक ये पर्सन जा रहे थे तब तक कहीं ना कहीं माइंड में अपना गेम चल रहा था कि इनके जाने पर आपको इनकी वैल्यू समझ में आएगी, आपको ये एहसास होगा कि ये आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, आप कहीं ना कहीं खुद से इनकी जी हजूरी करोगे, आप खुद से इनकी हर बात मान लोगे। तो कहीं ना कहीं जब तक ये जाते रहे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इन्हें, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने अपना कदम उठाना शुरू करा वैसे ही इस इंसान को यह एहसास होने लगा या ये एहसास इन्हें सताने लगा कि मर जाएंगे आपके बिना, आपकी इम्पोर्टेंस है, आपकी जो जगह है ना वो जगह ये किसी को ना दे पाएंगे, ना उस जगह पर कोई रह पाएगा। तो कहते हैं ना अपनी वैल्यू खुद बढ़ानी पड़ती है, किसी के लिए इतने ज्यादा अवेलेबल मत रहो कि आप एक दिन उसके लिए ऑप्शन बन जाओ या एक दिन आप उसके लिए एज अ डिफॉल्ट बन जाओ, तो वो नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर आपके उठकर चलते ही इस इंसान को आपकी यादें आने लगी, परेशान करने लगी और वही चीजें इस इंसान को वापस से आपको अपने सीने से लगाकर अपने दिल की, अपने फीलिंग की या अपना वो डार्क साइड, अपनी वो सोच एक प्लेयर वाली जो थी वो तक आपके सामने रखने के लिए इन्हें बोलने लगी है। हालांकि यहाँ पर अभी भी एक जो प्लेयर इंसान होता है ना, जिसके खुद के जैसे इंटेंशन सामने वाले को भी वैसे ही देखता है और उसके अलग आपने कभी भी ऐसा काम नहीं करा, कभी भी आप उठकर चले नहीं हो, तो इस इंसान को इस चीज पर भी अभी भरोसा नहीं हो पा रहा। कहीं आप ऐसा इसीलिए तो नहीं कर रहे हो ताकि जो डर ये आपके मन में डाल रहे थे वो डर इनके मन में आए? तो इस तरह के सवाल इस इंसान को आपके मूव ऑन के
सोच को लेकर भी डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो बड़ी ही कंफ्यूजिंग आत्मा बने पड़े हैं ये पर्सन मॉर्निंग में। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, आपने हाल फिलहाल में कोई ऐसा स्टेटस डाला है, चाहे अपना फोटो चेंज करा हो, कोई स्टेटस डाला हो या किसी से कुछ कहा हो, तो वो मैसेज इन तक ऐसे गया है कि भाई वो तो बंदी या बंदा नॉर्मल है अपनी जिंदगी में। इट मीन्स जो तूने गेम खेला उसका प्रभाव तेरा खत्म हो चुका है। तो कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपकी तरफ से, इस इंसान तक भी पहुंच गई हैं, जिसके चलते जो गेम इन्होंने खेला या जो सोच इन्होंने रखी, उस सभी सोच, उन सभी गेम पर आपने पानी फेर दिया है। तो वो सभी चीजें इस इंसान को यहाँ पर मरे के बराबर फील करा रही है। इनका गेम भी मर रहा है, ये भी मर रहे हैं, तो वो फीलिंग है। चलिए अब इन सभी सवालों के जवाब व्यूअर्स मैं देखूंगी टैरो से। अंत तक रीडिंग देखिएगा, क्योंकि राशियां भी बताऊंगी, नंबर्स भी बताऊंगी, मंथ्स भी बताऊंगी, एंड ऑब्वियसली फीलिंग्स तो बताऊंगी इनकी। एक ऐसी एनर्जी है, वो कहते हैं ना, जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं आपके वही करने से जो इन्होंने आपके साथ करा। जब तक खुद कर रहे थे तब तक दर्द नहीं हो रहा था, जब वो चीजें आपने करनी शुरू करी तो अपना दर्द इन्हें याद आ रहा है। सो थिंग इज कि ये पर्सन ना चिड़े ज्यादा पड़े हैं इस चीज से, वैसी एनर्जी मुझे इनकी मॉर्निंग की दिख रही है। चलिए टैरो से दिखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन का, व्यूअर्स को मिस करने के पीछे का कारण द मून एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड आपका पाइसेस। नंबर 18, नंबर 9, नंबर 4 यानी कि सितंबर एंड अप्रैल मंथ मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखो सेम इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है सुबह से लेकर अब तक, जैसा इन्होंने आपके साथ करा, जो जो चीजें इन्होंने आपके साथ करी, या जैसे टॉक्सिसिटी फैलाई, ब्रेकअप कर लिया, या फिर इन्होंने आपको जज करना शुरू कर दिया, आपसे चीजें छुपानी शुरू कर दी, वो सभी चीजें इस इंसान को फ्लैशबैक में लेकर गई हैं। यानी कि अपने उन सभी डार्क साइड का इस इंसान ने रूबरू करा है, जो डार्क साइड कहीं ना कहीं आपको इनसे दूर जाने के लिए बोल गया है। तो यहाँ पर आपके मूव ऑन करने के सोच इस इंसान को अपनी उन सभी छुपाई हुई चीजों को सामने लाकर खड़ा करने के लिए मजबूर कर रही है, जो चीजें इन्होंने छुपाने पे ही काम करा। यानी कि मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि आपको मिस करने का कारण ये बन रहा है कि आपके जाने पर इनकी जिंदगी पर उस चीज का क्या असर पड़ रहा है। वो सभी चीजों का डर, उन सभी चीजों की सोच मात्र से ये पर्सन डर रहे हैं, और वो ये नहीं चाहते हैं, वो डरना नहीं चाहते, वो सभी चीजें अपनी जिंदगी में ये नहीं चाहते। इसी रीजन के चलते इनकी जो मिसिंग एनर्जी आपको लेकर वो हाई हो रही है, ठीक है। सो आपके दर्द को जो इन्होंने दिया, आपके साथ ब्रेकअप जो इन्होंने करा, उसको याद करके ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मिसिंग की एनर्जी है, उन पलों को याद करा जा रहा है जिस पल में ये आपको छोड़कर जा रहे थे, गलत काम करते जा रहे थे, तो उन पलों को ये याद कर रहे हैं मैक्सिमम। गाइड कीजिए, बताइए, स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की भरोसे को लेकर क्या फीलिंग्स बनी है। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो यहाँ पे आपका कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, नंबर 14 एंड नंबर 15 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज है, कुछ लोगों का जो ब्रेकअप हुआ है वो 2015 के करीब हुआ है, या फिर आप लोग जो मिले थे तो वो तकरीबन 2014 या 2015 था, तो उसके भी मुझे चांसेस कुछ लोगों के केस में बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट मीटिंग हुई हो या फिर आप लोग बिछड़ गए हो। देखो व्यूअर्स, बेसिकली ना आपने इस इंसान की परवाह बहुत करी है, केयर बहुत करी है आपने, और इन सभी चीजों में आपने एकदम कंसिस्टेंसी बनाए रखी है। ऐसा नहीं था कि एक दिन आप इनसे नाराज हो, एक दिन आप इनसे खुश हो, इन्हें प्यार दे रहे हो, ऐसा नहीं था। प्यार था तो प्यार था, और उन सभी चीजों को आप ना काफी खुलकर बोलते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि जो चीजें दिल में है आपने दिल में रखी, आप एकदम ओपन थे कि भाई मुझे प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारे को गले लगाना है, या मुझे ये तोहफा चाहिए, या अगर आपको
फिजिकल भी होना है तो आप वो चीजें भी ओपन होकर बोलते थे, ठीक है। लेकिन अब ये सभी चीजें ना आपने एकदम सीक्रेटिव वे में करनी शुरू कर दी है, मतलब आपने भी राज रखनी शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब ना व्यूअर्स कहीं ना कहीं आप जो भी कर रहे हो, जो भी आपके एक्शंस है, इस इंसान को ये लग रहा है कि आपके वो सभी करे हुए एक्शंस इसीलिए हैं ताकि आप इन पर कंट्रोल कर पाओ विद दिस डेविल कार्ड। यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो आगे बढ़ गए थे, ये गेम तो एक्चुअली में इनका था, लेकिन इस गेम में आप कैसे जीत रहे हो या फिर ये गेम कैसे पलट रहा है या बाजी आपके कंट्रोल में आपके फेवर में कैसे काम कर रही है। इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर इस तरह से भी डाउट हो रहा है कि कहीं आप तो इनके ऊपर कुछ जादू टोना वगैरह नहीं कर रहे हो विद दिस द डेविल, आप तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हो कि ऑल ऑफ सडन ये कमजोर पड़ रहे हैं, ऑल ऑफ सडन इन्हें आपकी जरूरत फील हो रही है, इन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है। वो कमी, वो जरूरत, वो अहमियत जो ये आपके नजरों में, आपके दिल में अपने लिए देखने की चाह रख रहे थे, ऐसी चीजें ना इस इंसान को सुबह से लेकर अब तक काफी ज्यादा सवाल में घेर रही हैं, काफी ज्यादा डर में भी ये पर्सन इसी रीजन के चलते हैं, क्योंकि ये पर्सन उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियां दिख रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी खामियां दिख रही हैं, अपना डार्क साइड दिख रहा है इस इंसान को, और आपकी सारी खूबसूरती, आपकी सारी अच्छाइयां इस इंसान को दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं नहीं ये चीजें फील हो रही है व्यूअर्स इसी रीजन के चलते कि शायद कुछ तो ऐसा करा है आपने। तो ये सभी चीजें इस इंसान के मन में ना इस तरह की इच्छाओं को इनहेंस कर रही हैं कि आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें हैं, गाइड कीजिए, बताइए स्प्रिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स। क्वीन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट काफी स्ट्रॉन्ग में है यहाँ पे, कैंसर पाइसिस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली इस इंसान को क्योंकि आप काफी ज्यादा चेंज होते हुए नजर आ रहे हो या आपका ऑरा अपनी तरफ ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें आपकी जरूरत है, इसी के चलते ये पर्सन ना कहीं आप ही को काफी ज्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं या आप ही को काफी ज्यादा समझने की कोशिश इनके थ्रू करी जा रही है। जितना ये पर्सन आपको समझ रहे हैं ना उतना ज्यादा इनकी समझ पता लगा रही है कि भाई देखो आप इनको लेकर डिवोशनल थे, मतलब एक हद से ज्यादा डिवोटेड थे, आप इनको लेकर हद से ज्यादा इमोशनली लेवल पर नीडी भी थे। तो ये सभी इमोशन जिसकी इन्हें कदर करनी चाहिए थी, वैल्यू करनी चाहिए थी, इन्हें उन सभी चीजों को जाने नहीं देना चाहिए। यानी कि ये पर्सन आपको डेली धीरे धीरे करके ही सही काफी ज्यादा बदलाव आपके अंदर देख रहे हैं ना, इसी के चलते मन में ये इच्छाएं है कि अगर इन्होंने और देर कर दी तो आप और ज्यादा बदल जाओगे, और ज्यादा इनसे दूर हो जाओगे, या आपकी सोच, आपकी फीलिंग इनको पर और ज्यादा बदल जाएगी। तो वो डर भी कह सकते हो, वो इनसिक्योरिटी भी कह सकते हो कि इस इंसान को इनके दिल में ये इच्छाओं को इनहेंस कर रही है कि भाई आपको और ज्यादा दूर नहीं जाने दे सकते हैं, क्योंकि आपको अब ये दूर जाने देना देख रहे हैं। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, इनके साथ कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं, कुछ लोगों के केस में होगा, सबके केस में नहीं होगा, कि भाई देखो जब आप ना आगे बढ़ते हो, जैसे आप दूसरे रिश्ते की तरफ बढ़ते हो तो ये इनसिक्योरिटी होती है, तब आपको कॉल कर लेते हैं, तब आपकी तरफ बढ़ जाते हैं, और जब आप इनका वेट करने लगते हो तब फिर ये नॉर्मल हो जाते हैं, तब फिर उसके बाद इनका वही एटीट्यूड, वही प्लेयर वाला जो गेम है ना वो इनका स्टार्ट हो जाता है। गाइड कीजिए, बताइए स्प्रिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी है। स्प्रिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और क्या बनी है, गाइड कीजिए। टू ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स, तो जेमिनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, एंड वाटर एलिमेंट कैंसर पाइसिस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि। आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग वे में इस इंसान को ना की एनर्जी फील हो रही है, आप इस रिश्ते को ठुकरा रहे हो, आप इस रिश्ते को डिनाई कर दोगे अगर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हैं तो, अगर ये आपकी तरफ पहुंचते हैं तो आप इन्हें यहाँ पर वहीं पर रुकने के लिए, फुल स्टॉप लगाने के लिए इस रिश्ते में बोल दोगे। तो वो सभी चीजें जितनी ज्यादा यहाँ पर इनहेंस हो रही है ना उतना ज्यादा ये पर्सन आपको उन्हीं भावनाओं में बहाने की कोशिश में लगे हुए हैं, या उस तरह की फीलिंग अपने दिल में रख रहे हैं
कि शायद गले लगाकर आपको आपके वो इमोशंस जाग जाएं जिन इमोशंस का आपने कत्ल कर दिया है, जिन इमोशंस को आपने कहीं ना कहीं अपने प्रैक्टिकल माइंड के पीछे कहीं छुपा दिया है। इस इंसान को ये चीजें भी समझ में आ रही है कि आपको गले लगाकर हो सकता है आपको वो रिश्ता याद आ जाए जो रिश्ता आपको इनसे मिल रहा था या मिल सकता था, या जिस रिश्ते को आप एक ब्लेसिंग्स के तौर पर देखते थे, बोलते थे, वो रिश्ता आपको याद आ जाए। तो वो सभी चीजें ना इनके दिल में एज अ प्लानिंग कह सकते हो चल रही हैं सुबह से लेकर अब तक, कि शायद ये करके ही आपको ये वापस से पा पाएंगे, वापस से आपको वैसा ही बना पाएंगे। तो वो चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं आप हो भी बहुत ज्यादा इमोशनल, पहले भी ऐसा ही कुछ होता हो कि ये आपके साथ कितना भी बुरा कर देते हो लेकिन आप ना इनके गले लगाने पर से ही आप एकदम मेल्ट हो जाते हो, तो ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बनी है। स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स एंड द स्टार, तो वाटर एलिमेंट है कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका एक्वेरियस है। देखो इमोशनल हो रहे हैं लेकिन आपको ये चीजें समझनी है कि 100% इमोशनल नहीं है ये पर्सन, 50% इमोशनल है तो 50% प्रैक्टिकल है, मतलब एक बैलेंस्ड एनर्जी है। और अभी तक क्या था कि प्रैक्टिकल ज्यादा थे तभी तो ये इतना बड़ा गेम खेल गए या इतना बड़ा गेम खेल रहे थे, लेकिन इस वक्त में क्योंकि एक बैलेंस्ड एनर्जी इनके इमोशंस में लेकर है, इसी रीजन के चलते ये पर्सन इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि अगर आप इनसे यूं ही धीरे धीरे करके दूर जाते चले गए ना तो अल्टीमेटली ये वापस से इस रिश्ते में किसी भी तरह से उम्मीद नहीं बटोर पाएंगे या वापस से इस रिश्ते को हील नहीं कर पाएंगे, तब इनके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये सभी चीजों को ना दिमाग से सोच रहे हैं, यानी कि दिल के रिश्तों को दिमाग से डील करा जा रहा है, वो चीजें इनके साथ हो रही हैं। इस बैलेंस एनर्जीज में होने के चलते ना व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन इवन ये चीजें भी समझ पा रहे हैं कि आपके साथ डेफिनेटली जिंदा थे लेकिन अगर इसी तरह से धीरे धीरे गए ना तो फिर तो बस मर ही गए, खत्म ही हो गए। और प्यार, रिश्ता ये कितना इम्पोर्टेंट है, इन सभी चीजों को समझने की वजह से भी इस तरह की चीजें इनके दिल में यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक काफी ज्यादा उठ रही हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड प्लेयर के वे में व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है सुबह से लेकर। द हैंग्ड मैन एंड सिक्स ऑफ वैंड्स, ओके, तो एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि एंड आपका पाइसेस। अभी तक जो भी था मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, दिमाग से खेला जा रहा था, दिमाग से डील करा जा रहा था, लेकिन अब ये पर्सन ये चीजों को समझ रहे हैं कि अब इस तरह की अगर जीत मिलती है ना तो उस जीत में इन्हें किसी भी तरह की खुशी नहीं मिलेगी या इस जीत को पाकर भी ये हार बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप नहीं होंगे, आपका प्यार नहीं होगा। तो इस वक्त में या कह सकते हो सुबह से लेकर अब तक ये फीलिंग है, अब गेम से काम नहीं चलेगा, अब यहाँ पर गेम को तो साइड में रखना पड़ेगा, उसे सरेंडर करना पड़ेगा अगर इन्हें एक्चुअली में अपनी जिंदगी में आपको जीतना है, तो आपके प्यार को जीतना है, तो इस रिश्ते को जीतना है, तो इस तरह की फीलिंग भी आपके पर्सन की है। तो अभी तक तो गेम के तौर पर चीजें करी जा रही थी, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, आपसे दूर जाया जा रहा था, लेकिन अब अपनी ही जरूरतों को पूरा करने के लिए आपकी तरफ बढ़ा जा रहा है। तो वो चीजें, उस तरह की प्लानिंग इनके मन में सुबह से लेकर अब तक काफी ज्यादा चल रही है। ठीक है व्यूअर्स, चलिए चार्म्स और रून्स के माध्यम से देखती हूँ थोड़े से मैसेजेस। अव्वल तो हमें काफी सारी चीजें इनकी पता चल ही रही है, लेकिन चार्म्स के थ्रू या रून्स जो भी आता है बहुत थोड़े से देखते हैं। गाइड कीजिए डिवाइन। ठीक है, सो व्यूअर्स यहाँ पे चांसेस हैं कि आप इनके साथ ना कहीं ट्रेवल करना चाहते थे, अदर कंट्री में जाना चाहते थे या आप गए भी थे, तो यहाँ पर ना ये पर्सन उस पल को खुद से भी याद कर रहे हैं और उस पल को आपको भी याद कराने की चाह लिए हुए ये पर्सन बैठे हैं। और यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ यही मैसेज सेंड करना चाहते हैं कि याद है तुम्हें वो पल जब हम वहां घूमने गए थे, या याद है तुम्हें वो पल जहां पर तुम मेरे साथ घूमना चाहते थे, तो उस तरह का मैसेज ये पर्सन आपकी तरफ अपनी साइड से भेजना चाह रहे हैं।
इवन ये पर्सन आपको भावुक करने के लिए, इमोशनल करने के लिए उस सॉन्ग तक को आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, जिसको आप अक्सर इनके मुंह से सुनते थे या आप इन्हें सुनाया करते थे या आप इनसे बोलते थे कि इस सॉन्ग को सुनकर ना ऐसा लगता है जैसे ये हमारी लाइफ है, हमारी जिंदगी है। मुझे बहुत ज्यादा तो ये सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। तो हो सकता है आप ये सॉन्ग गाते हो तो ये सॉन्ग ही ये पर्सन जैसे आपको सुनाना चाह रहे हैं या उस तरह से वो सॉन्ग गुनगुना रहे हैं, ठीक है, वही आपको कमजोर करेगा। देखिएगा, लीफ है, लीफ जो है वो ग्रोथ को इंडिकेट करता है। तो आपके पर्सन ना आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये चाहते हैं इस रिश्ते को उसी तरह से ग्रो करना जिस तरह से तुम चाहती थी या तुम चाहते थे। ये चाहते हैं इस रिश्ते को उसी तरह से गार्डन गार्डन करना जिस तरह से तुम चाहते थे, क्योंकि इन्होंने तो इस रिश्ते में गेम खेल कर कहीं ना कहीं यहाँ पे पतझड़ लाकर सब पत्तियों को गिरा दिया, सुखा दिया। तो ये पर्सन अब आपसे यही कहना चाहते हैं जैसा तुम चाहते थे ना इस रिश्ते में, ये वैसा करने के लिए अब तैयार है, ठीक है। देखो बिल्कुल ब्लैंक रून आया है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई देखो अब इस इंसान के पास एक्चुअली में ना, अगर आपको लगता है कह कुछ भी नहीं रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं, यहाँ पर अगर इतनी फीलिंग्स है तो क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं, तो बेसिकली अब इनके पास शब्द ही नहीं बचे हैं, इनके पास कहने का मुंह ही नहीं पड़ा है। वो मुंह जो कभी उठाकर एक वक्त पे आ जाया करते थे, अब वही मुंह उठाकर ये नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। सो यही कहना चाह रहे हैं, आपसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है। यहाँ पर ना मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स की प्यार बहुत करते हैं आपसे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने करे हुए, अपने इंटेंशंस जो भी थे, अपनी चालाकियां जो भी थी ना, वो इस इंसान के प्यार को भी काफी छोटा कर चुकी है, ठीक है। सो ये सभी चीजें पर्सन आपसे चाह कर भी कह नहीं पा रहे हैं, तो वो मुझे एनर्जीज, वो इनके मैसेजेस दिख रहे हैं। चलिए, जैसे कि मैंने आपसे ऑलरेडी बताया कि मैं मॉर्निंग की रीडिंग में देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स, तो वही कार्ड्स निकाल कर वही बताकर हम करेंगे इस रीडिंग का एंड, यानी कि अब आपको क्या करना है, ठीक है, वो चीजें देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स, और दीजिए व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अब, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। पहला कार्ड आया है खामोश, यानी कि साइलेंस, एक्सपीरियंसिंग, शेयरिंग, कंडीशनिंग एंड मैच्योरिटी, बॉटम की एनर्जी है। आपको बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है मैच्योरिटी से इस रिश्ते को डील करो, यानी कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी मैच्योरिटी है अब आपकी चुप रहने में। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है चुप होकर देखो अब इस इंसान की वो हरकतें जो आप बोल कर नहीं देख पा रहे थे। कहते हैं ना आपको, आप अच्छे लिसनर बनो जिससे कि आप ना चीजों को अब कैसे सही करना है आप उस चीज को कैलकुलेट कर पाओ। आपसे ये भी बोला जा रहा है बजाय अपनी बातें शेयर करने के, अपने आप जिंदगी में क्या चल रहा है उसे शेयर करने के, इंतजार करो उस चीज का, उस इस इंसान की उस खुंदस, उस फ्रस्ट्रेशन के निकलने का जिसका आपको इंतजार है, क्योंकि वो सभी चीजें ना आपको ये दिखाएंगे कि अब यहाँ पर कैदी कौन बनकर रह गया है, ठीक है, अपनी जाल में फंसकर कौन रह गया है। तो अल्टीमेटली आपसे बोला जा रहा है अब आपके पास व्यूअर्स सभी चीजें हैं, लाइफ का एक्सपीरियंस भी है, आपको सारी टेक्निक्स भी आती हैं, आपको इंसानों की पहचान भी हो गई है, लेकिन थिंग इज उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। जैसे कहते हैं हथौड़ा है आपके पास और लोहा भी गर्म है, बस यहाँ पर जरूरत है हथौड़ा मारने की, वो आपको मारना है, यानी कि यहाँ पे चुप रहकर आपको चीजों को डील करना है। अभी तक आप ना थोड़ा सा जोश में आकर बोल दिया करते थे, कोई ऐसा एक्शन ले लिया करते थे, ब्लॉक कर देते थे, अनब्लॉक कर देते थे, एकदम न्यूट्रल होकर, नॉर्मल होकर, ठंडा होकर खाने के लिए आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है एज अ गाइडेंस, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को व्यूअर्स इस रीडिंग से। अगर कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रेटिट्यूड दिया उस यूनिवर्स, उस डिवाइन को, तो आप कर दीजिएगा। एंड चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि चैनल पर जब भी नई रीडिंग आए ना तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। उसके अलग जो लोग
मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहां पे सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। 29 rupees पर मंथ की यहाँ पर मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें स्पेशली आप ही की एनर्जीज को पिक करके यहाँ पर आपके लिए रीडिंग दी जा रही है, तो आप जरूर से कीजिएगा। 29 rupees कुछ नहीं होते हैं, आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, कोई प्रेशर आप पे नहीं डाला जा रहा है, इट्स टोटली योर चॉइस, बस आपको एक बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर एक ऑप्शन है मेंबरशिप ज्वाइन करने का। मैंने कम चार्जेस इसीलिए रखे हैं ताकि आप लोग उसे ज्वाइन कर पाए, आपके मन में डाउट्स ना रहे, ठीक है। उसके अलग लाइव सेशन पर अगर आपको रीडिंग लेनी है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा व्यूअर्स आपको, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास तभी पहुंच पाएगी। क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स बोल रहे थे कि मैम जब आप लाइव आते हो हमें पता नहीं चलता, उसके पीछे का मेन कारण हो सकता है कि भाई आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, नोटिफिकेशन आपने ऑन नहीं करा है, जिसके चलते लाइव पर जब मैं रीडिंग लेकर आती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है व्यूअर्स। तो काफी सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पर इस चैनल पर, अगर आप उसका बेनिफिट लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्प मिलेगी, लेकिन बेनिफिट तो भाई आप ही को लेना पड़ेगा। तो चलिए जी, इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी लोगों से विदा, मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।